नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शोभा बिहार में सिवान जिले से। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत। मेरे चैनल के नाम है शोभा की रसोई। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आई हूँ अपने खेत में। तो हमारे खेत में सब्जी रोपाया है बहुत सारा, तो सब्जी लेने आई हूँ। तो आप सभी को दिखाते हैं, तो आप सभी को दिखाते हैं भिंडी हमारा रोपाया है। छोटा भिंडी लगा हुआ है, तो तोड़ लेते हैं जरूरत के हिसाब से। छोटे छोटे हमें चाहिए। देखिए इसी तरह हम सारी भिंडी को तोड़ लेंगे। हिसाब से भिंडी को तोड़ लिए। देखिए कितना बढ़िया भिंडी तोड़े हैं। और चलते हैं और सब सब्जी दिखाते हैं क्या क्या बोया है हमारे खेत में। आप लोगों को दिखाएंगे तो हमारे वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिएगा, हमारे चैनल पर बना रहिएगा, ताकि आप लोगों को सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकूँ। कद्दू लगाएंगे, फूल आया है तो कद्दू फरेगा तो आप लोग को दिखाएँगे रेसिपी बना करके। देखिए अभी छोटा छोटा लगा है कद्दू, बहुत छोटा है। देखिए इसी फूल में पकड़ेगा कद्दू, तो आप सभी को दिखाएंगे बना करके रेसिपी। यहाँ पे खीरा रोपाया हुआ है, तो खीरा देखिए यहाँ पे देखिए पत्तियाँ रखा है और फूल भी लगा है, तो फरेगा तो आप सभी को दिखाएंगे। तो यहाँ पे करेला रोपाया हुआ है, सारा बहुत सारा करेला रोपाया हुआ है हमारे खेत में। देखिए यहाँ पे पकड़ा है तो फरेगा तो हम देखेंगे। तो यहाँ पे करेला छोटे छोटे पकड़ा है, बतिया भी है, फूल पकड़ा है, तो इसे फरेगा तो हम इसे रेसिपी बना करके आप लोगों को दिखाएंगे। नुआ रोपाया है तो छोटा छोटा देखिए पकड़ा है, अभी बतिया है बहुत छोटा छोटा है, तो बढ़ेगा बड़ होगा तो इसे रेसिपी बना करके आप लोग दिखाएँगे। देखिए यहाँ पे कोढ़ी है, तो कोढ़ी को रेसिपी बना करके आप लोग को दिखाएँगे। देखिए बहुत छोटा छोटा है, चैनल पर बना रहिए ताकि लोगों सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकूं। हमने सभी सब्जियों को दिखा दी, अब चलते हैं घर पर, सभी से रेसिपी बना करके आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों हमने घर पर आ गए हैं और भिंडी को अच्छे से धो लिए हैं। धो करके हमें ज़रूरत के हिसाब से भिंडी लिए हैं। बहुत बढ़िया हमारा ये भिंडी नॉर्मल है, सॉफ्ट है, तो इसे हम छोटे छोटे पीस में, पतले पतले पीस में काट लेते हैं। काट करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने भिंडी को पतले पतले पीस में काटे हैं, बहुत पतला पतला पीस में काटे हैं। देखिए तो इसे हम बनाएंगे पकौड़े, भिंडी के पकौड़े बनाएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहिएगा, हम कैसे पकौड़े बना करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे एक बॉल हमने बेसन लिए हैं, इसको भी डाल देते हैं जरूरत के हिसाब से। स्वाद अनुसार नमक लिए हैं, इसको भी डाल देते हैं। यहाँ पर हमने लिए हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसको भी डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने सभी चीज़ों को डाल दिए हैं अच्छे से, इसे मिक्स कर लेते हैं। हमें थोड़ी सी इसमें पानी डालना है, ज़्यादा हमें पानी नहीं डालेंगे। जिस बाउल में हमने मसाले को निकाल कर रखे उसी बाउल में थोड़ी सी हमने पानी लिए हैं, इसको डाल लेते हैं और अच्छे से इसे मिला लेते हैं। इसे बहुत बढ़िया हमने पकौड़े बनाएंगे, भिंडी के पकौड़े। तो आप लोग हमारे वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, हमने बेसन को अच्छे से मिला लिए हैं। यहाँ पे हमने लहसुन को पेस्ट बनाया है, इसको भी डाल देते हैं और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा भिंडी का पकौड़ा बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टिंग बनेगा। तो आप लोग देखते रहिएगा हम कैसे बनाते हैं भिंडी का पकौड़ा। एक बार जरूर से ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। भिंडी का बहुत सारा सीजन चल रहा है, तो हम लोग अपने घर अपने खेतों में रोपाया है, तो हमने खेत में से लाए हैं तोड़कर, तो आप लोग को दिखाए हैं। देखिए बहुत टेस्टिंग, आप रोटी चावल पराठे के साथ खाइएगा भिंडी का पकौड़ा, तो बहुत टेस्टिंग लगेगा। देखिए इसे हम अब 5 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट में, ढक करके। तब तक लिए हम बाकी के काम कर लेते हैं, गैस को जला लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने गैस पर कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम डाल देते हैं सरसों तेल। तो देखिए दोस्तों, ये तेल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम पकौड़े को छोटे छोटे पकौड़े जैसे हम ढाल, इससे हम हाथ से इसे देखिए हिला लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, देखिए देखिए दोस्तों,
इसी तरह हम सारे पकौड़े को डाल देंगे और तल लेंगे। देखिए दोस्तों, एक साइड का ये पकौड़ा हमारा हो गया है, हम दूसरी साइड इसे पलट लेते हैं। इसी तरह हम सारे पकौड़े को तल लेंगे और बना लेंगे। देखिए कितना बढ़िया बना है। इसी तरह हम सारे पकौड़े को बना करके भिंडी पकौड़ा को तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पकौड़ा बनकर रेडी हो गया है, तल लिए हैं, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह सारे पकौड़े को हम भिंडी पकौड़े को तल लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने सारे पकौड़े को तल लिए हैं, हमने भिंडी पकौड़े बनाए हैं बहुत आसान तरीका से, तो आप लोग एक बार जरूर से जरूर बनाइएगा और खाइएगा। भिंडी का सीजन चल रहा है तो बहुत सारा, देखिए कितना तोड़कर दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए कितना बढ़िया हमने भिंडी का ये पकौड़ा बनाया है। तो आप लोग रोटी चावल पराठे के साथ इंजॉय कीजिए और खाइएगा और बनाइएगा, अपने परिवार को बनाइएगा, तो आप लोगों को बार बार मन करेगा खाने के भिंडी पकौड़ा। तो देखिए दोस्तों, हमारे वीडियो को आप लोग पूरे एंड तक देखते रहिएगा, हमारे चैनल पर बना रहिएगा ताकि आप लोग के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकूँ। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।